हेलो एवरीवन, जमील बिन साइड है, आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ना कि बिजनेस स्टार्ट किया है और उसको अलग अलग वैरायटी में स्टार्ट आउट करना है, तो मैं बताऊंगा कि एक तरह का बॉल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करके देख सकते हो। ये यहाँ से खोल भी जाएगा, ये खोलने का ये एक ऑप्शन है, होल है। मैं काफ़ी जूम करके आपको दिखाऊंगा, और बच्चे लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और इसे खेलने के लिए भी ऑप्शन है। इसको पूरा खोल सकते हैं, ये पूरा खोल जाएगा। देखिए मैं खोल रहा हूँ, तो इसमें भी आप कैंडी फिलिंग करके मार्केट में सेल कर सकते हैं, और ये हॉट प्रोडक्ट है, काफ़ी बिकता है मार्केट में। और कैंडी का बिजनेस दोस्तों ऐसा बिजनेस है कि आप कभी फेल नहीं होंगे मार्केट में, हर दुकान में ये बिक जाता है, और बच्चों तो इसे दौड़ के लेंगे, ये पूरा खुल जाएंगे, इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं, फिर इसको बंद कर सकते हैं। तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ और दिखाते हैं इसके अंदर हम कैंडी कैसे फिल करेंगे। काफ़ी छोटी होल होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर आप थोड़ी सी कैंडी डालें, और ये हम ले लिए हैं कैंडी स्वीट बॉल, और एक छोटी सी चम्मच है। बहुत कम पूंजी में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इससे भी कम पूंजी में कोई बिजनेस ऐसा में दोस्तों नहीं है कि आप स्टार्ट कर पाएंगे, आई थिंक, मुझे लगता है। और जितने भी लोग स्टार्ट किया है वो लोग काफ़ी अच्छा ग्रो किए हैं। और बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि मैंने बेचना शुरू कर दिया, बेचते ही रहें, ऐसा नहीं। आपको पाइपलाइन बनाना है, जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा दोस्तों, जब आपका सेल ज़्यादा हो जाएगा, आपका ट्रांजेक्शन या टर्नओवर ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करना है, जितने भी चीज़ें हैं, कस्टमाइजेशन होता है, आपके नाम से एक ब्रांड होगा। जैसे मेरी कंपनी का नाम है, मैं अभी शुरुआत में मेरे कंपनी के नाम से दिखाता हूँ आपको, और दिखाने की कोशिश करूँगा, शायद उल्टा दिख रहा है। ये मॉम्स भी एक मेरा ब्रांड है और एक बालाजी भी है, स्टिकर है या कंपनी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्वांटिटी सब कुछ मेंशन किया गया है इसमें। इंडियन स्वीट्स के नाम से इसको हम प्रिंट करवाए हैं, आरके फूड प्रोडक्ट, कहाँ पे कंपनी है वहाँ का पूरा एड्रेस यहीं में मेंशन है। बेस्ट डेट हम उसको खाली रखे हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट खाली रखे हैं, एक्सपायर डेट खाली रखे हैं, MRP डेट डालने का खाली है। तो ये आप डिब्बी में, और हम वैरायटी आपको बना के दिखाएंगे, तो पहले हम इसको फिलिंग करके दिखाते हैं किस तरह से इसका काम करते हैं हम लोग। तो चलिए इसको अंदर हम फिलिंग कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, आपको एक चम्मच, ये छोटी चम्मच में एक चम्मच आपको डालना है कैंडी। मैंने देख सकते हैं बहुत कम दिए, और इसको कर देंगे हम इस बार बंद। अब जब बार बार काम करेंगे एक्सपीरियंस हो जाएगा, बज रहा है। अब इस तरह से आपको सारी चीज को आपको एक एक करके पैकेजिंग करना है, इसके अंदर फिल करना है, और कितना अच्छा लुक देंगे मैं बता रहा हूँ, हाथ से कर रहा हूँ, आप चम्मच से करना, और हैंड में ग्लोव्स लगा करना दोस्तों, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि फूड का चीज़ है, आपको सेफ्टी का ध्यान रखना जरूरी है एकदम। और जब आपका दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कौन नहीं लगा दोस्तों, बच्चे दौड़ के लेंगे, इसके ऊपर भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, स्टिकर चिपका सकते हैं। मैं अभी स्टिकर नहीं दिखाया आपको, अभी शुरुआत के लिए कम पूंजी में आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए बेटर है। अब इस तरह से आपको सारी जितनी भी आपको डब्बे में फिल करना है, मैं पहले इसके अंदर फिल कर लेता हूँ फटाफट। पैशन बना के रखिए, काम में जुड़िए, लोगों का काम करने से बेहतर दोस्तों है कि अपना खुद का मालिक बन जाओ, और
पैशन से काम करो, लगन से काम करो, एक दिन आपका भी कंपनी बहुत बड़ा लेवल में आ जाएगा। आपको फूड लाइसेंस कैसे लेना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, कंपनी सर्टिफाइड कैसे करवाना है, ट्रेडमार्क कैसे लेना है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं माल खरीदता हूँ बेचता हूँ, ऐसा नहीं, आपको ब्रांड बना के छोड़ूंगा और ज़रूर ब्रांड बनेगा। आप हिम्मत रखिए, काम कीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने काम स्टार्ट किया और मार्केट में नहीं चला, दो दिन गए, चार दिन गए, माल तो बिकता नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। करोड़ों दुकान है, आपको इतने भी दुकान मिलेंगे जहां आपको प्रोडक्ट लेना नहीं पसंद नहीं करेंगे। जो लोग आपसे नहीं लेंगे, मैं इतना गारंटी देता हूँ, आप दूसरों जगह में दीजिए, फिर वही लोग आपसे पूछेंगे मुझे भी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे बनाना है उसके लिए मैं बताऊँगा सारी चीज़ जब आपको फिलिंग कर लेंगे। मैं उतना वीडियो लंबा हो जाएगा, मैंने ये सब जब पूरा फील हो जाएगा दोस्तों, ये जब फील कर लेंगे पूरा को, तो इसको फील करने के बाद इस तरह का आपको एक कंटेनर लेना पड़ेगा। कौन सा कंटेनर है मैं बताऊंगा, वीडियो में पूरा बने रहिए, तब आपको समझ में नहीं आएंगे। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है और बाद में बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया किस तरह से काम करना, फिर बार बार फ़ोन करते हैं। फ़ोन कीजिए, बिजनेस के लिए आप जितनी बार चाहे फ़ोन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने सामान बेच दिया छोड़ दिया, आप तो स्टार्टिंग है ना, आपको समझ में नहीं आया। इस तरह का कंटेनर लेना पड़ेगा, ये कंटेनर आपके नियरेस्ट मार्केट में भी मिल जाएंगे और जितने भी सारी मटेरियल्स हैं मैं रॉ मटेरियल सारी प्रोवाइड करा देता हूँ। अगर मिल जाएंगे तो बेहतर है, क्योंकि ये थोड़ा हल्का होते हैं, इसमें जगह थोड़ा ज़्यादा गिर लेता है जब ट्रांसपोर्ट माल लगाते हैं दोस्तों। अब पैकेजिंग करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एक एक करके बॉक्स के अंदर फिलिंग करना है। मैंने फिलिंग कर लूंगा, उतना साइज के बॉक्सेस हैं, 12 पीस का लाइन बनेंगे आपका। इसके अंदर और 12 पीस डालिए, हो गया। अब जब आपका ये फाइनल जब रेडी हो गया, इसको हम कर देंगे लॉक, इस तरह से हम लॉक कर देंगे। लॉक हो जाने के बाद देखिए दोस्तों, आप ये मार्केट में जाने के लिए रेडी देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस तरह का स्टिकर है, स्टिकर अभी मैं स्टिकर प्रोवाइड करा दूंगा आपको, छोटी राउंड वाली सी मैं इसमें दूंगा चिपकाने के लिए, तो मेरे पास अभी वो वाला है ही नहीं, ये मेरा जार के लिए था, तो मैं इसको उखाड़ लूंगा, देख सकते हैं मैं पढ़ रहा हूँ इसको, और इसके अंदर हमको कर देना है, चिपका देंगे इसको इस तरह से। ब्रांड बन गए ना दोस्तों, ब्रांड मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, बिजनेस करने का कला सिखाऊंगा कैसे। बिजनेस सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं बेचता रहूँगा, वैसा नहीं। तो इस तरह का ये फाइनल प्रोडक्ट है और देख सकते कितना अच्छी लुक है इसका। तो एक काम, एकदम पूरा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, एकदम फाइनल रेडी, मार्केट में जाने के लिए तैयार है ये। स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप पहले कॉल कीजिए और जाने कितना लागत में आपका बिजनेस स्टार्ट होगा और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं पूरी जानकारी के साथ आप व्हाट्सअप कीजिए, मैं कॉन्टैक्ट आपको शेयर कर दूँगा। धूमधड़ बिकेगा दोस्तों, एकदम बेफिक्र होकर काम स्टार्ट कीजिए। तो बस इतना ही दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले जाइए।